नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सना नजीर। आज हम बनाना सीखेंगे दम कीमा। इसके लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं, वो ये हैं: बीफ कीमा 1 किलो, कुकिंग ऑयल 1/2 कप, पक्के पपीते का पेस्ट 2 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसी हुई प्याज 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ लहसुन 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कोयले का टुकड़ा 1 अदद, गार्निशिंग के लिए अदरक 3 से 4 इंच जूलियन कटी हुई, 3 से 4 हरी मिर्चें स्लाइस की हुई, पुदीने की पत्तियां और कटे हुए लीमू के टुकड़े। तरकीब: सबसे पहले कीमे को अच्छी तरह धो लें, फिर इसमें तेल के अलावा तमाम मसाले शामिल कर दें। तमाम मसालों को अच्छी तरह कीमे में मिक्स कर लें और कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब एक पतीली लें और इसमें ऑयल गरम करें और कीमा डालकर धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए पकने दें। अब दूसरे चूल्हे पर कोयले को अच्छी तरह दहकाएं और दहकते हुए कोयले को एक स्टील की कटोरी में रखें। फिर इस कटोरी को कीमे की पतीली के अंदर रखें और इस दहकते हुए कोयले के ऊपर 1 टीस्पून ऑयल का छिड़क कर ढकना टाइट बंद कर दें और 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें। ख्याल रहे कि जब कोयले की कटोरी पतीली में हो तो ढकना टाइट रहे ताकि कोयले का धुआं बाहर ना निकले और कीमे को अच्छी तरह दम लग जाए। मज़ेदार दम कीमा तैयार है। अब इसे ऊपर बताए हुए गार्निशिंग के अज्जा के साथ गार्निश करें और पराठे या चपाती के साथ सर्व करें। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।